से। होप सो ग्रैनी जिंदा ना हो, अगर हो भी गई तो भी नो टेंशन गाइस, क्योंकि हम है। ओके सो अपने को अपनी शॉर्ट गन मिल चुकी है, तो गाइस चलते हैं। डोर एस्केप हमारा कंप्लीट होने वाला है विदाउट यूजिंग वेपन की। हमने चैलेंज लिया था और हमने वेपन की यूज़ नहीं करी। ओके सो यहाँ पे देखते हैं, अगर डोर हैंडल मिल गया मतलब अच्छी बात है, नहीं मिला तो हमें और एक्सप्लोर करना पड़ेगा और हम कर लेंगे, नो टेंशन। ठीक है तो इसे हमें खोल लेना है बाय दिस और मिल गया गाइस। सो हमारा एस्केप हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट हियर, बस अपने को डोर हैंडल लगाना है। बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रैनी को एक बार किल करूँ। सो किल करने के लिए मैं डोर हैंडल पहले यहाँ पे डाल लेती हूँ, देन मैं अपनी स्टन गन लेके जाती हूँ और इसमें एमो फिल करती हूँ, क्योंकि अब हम मारेंगे ग्रैनी को, क्योंकि ग्रैनी को मारने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। सो पहले हम इसे बाहर फेंक देते हैं और देन अपने को ये भी चाहिए, इसे भी लेकर जाएंगे हम। अरे यार निकलना बाहर। ठीक है सो इसे भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, देन ग्रैनी को हम यहाँ पे कॉल आउट करेंगे। ठीक है इसके बाद हम अपनी ग्रैनी को मार देंगे। ठीक है अपनी शॉटगन स्टन गन भी रेडी है, सब सामान हमने यहाँ पे ला लिया है। ठीक है अब यहाँ पे बैठना है और आपको ड्रॉप करना है, जैसे ड्रॉप करोगे ग्रैनी आएगी, वेट करना है, देखना है ग्रैनी कहाँ से आ रही है। और यहाँ पे ज़रा आप सेफली खेलना, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आप नीचे गिर सकते हो और ग्रैनी आपको किल कर सकती है। ठीक है तो मैं भी सेफली खेल रही हूँ, क्योंकि हमें मरना नहीं है, क्योंकि हमने चैलेंज दिया है डे वन में अपने को विदाउट यूजिंग वेपन की चैलेंज कंप्लीट करना है। ग्रैनी गाइस स्लाइटली दूर है मेरे से। ठीक है सो हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने अभी